आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे जो कि है एवियन हिप, यानी कि चूल्हे की हड्डी का गलना। अब चूल्हा एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, यानी कि उसमें एक बॉल है जो कि फीमर हमारी बोन यानी कि थाई बोन होती है उसका पार्ट है, वो जाके अटैच होती है एक सॉकेट पे। सॉकेट का एक जिसको हम एसेटाबुलम भी कहते हैं, वो पेल्विक बोन का पार्ट होता है। ये दोनों के आपस के जोड़ से हिप जॉइंट बनता है। अब जो बॉल है यानी कि फीमर का पार्ट है, इसमें एवियन में वो गल जाती है, एवास्कुलर नेक्रोसिस, यानी कि उसकी जो ब्लड सप्लाई है उसके बंद होने की वजह से ये हड्डी गल जाती है। इसके बहुत सारे कारण हैं और ये किसी भी उम्र में पाई जाती है, पर आमतौर पर यंग पेशेंट्स में भी हो जाती है। कई बारी हम इसका कारण पता ही नहीं कर सकते, इसमें कोई रीज़न नहीं होता, ये अपने आप ही हड्डी गल जाती है। अन्यथा इसमें अगर आप बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं या बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, या अगर आप में किसी भी वजह से काफ़ी मात्रा में स्टेरॉइड्स लिए हैं, जैसे कि कई लोग जिम के दौरान इस्तेमाल करते हैं, या किसी को किसी बीमारी की वजह से स्टेरॉइड्स लेने पड़ रहे हैं, उसमें भी ये हड्डी गल जाती है। अब इसका इलाज डिपेंड करता है किस स्टेज पे है। बीमारी का डायग्नोसिस बनाने के लिए आमतौर पर पहले एक एक्सरे करवाते हैं, और अगर एक्सरे में ठीक आता है या एक्सरे के बाद हम इसमें एमआरआई करवाते हैं, जिसमें हमें इस बीमारी की स्टेज का भी पता चल जाता है। अब अगर तो वो अर्ली स्टेजेस में है, तब तो कुछ दवाइयों से, पेन किलर से, कुछ फिजियोथेरेपी से और छोटी सर्जरी भी होती है जिससे हम इसको आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। पर अगर वो एडवांस स्टेज में है, यानी कि जोड़ पूरी तरह ख़राब हो चुका है, वो हड्डी जो गोला है पूरी तरह गल चुका है, तो हमें इसको रिप्लेस करना पड़ता है। इसमें हमें टोटल हिप रिप्लेसमेंट करवानी पड़ती है।